गड़ी मलहरा पिंडपा गांव में गोली मारकर युवक की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गड़ी मलहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंडपा गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गड़ी मलहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंडपा गांव के निवासी 35 वर्षीय हल्के राजा परमार की खेत पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक हल्के राजा शाम 4 बजे के करीब अपने खेत से भूसा लेने के लिए गया हुआ था। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटा तो पिता खेत पर देखने गया, जहां युवक का शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी तुरंत ही पुलिस को दे दी गई। सूचना पर गड़ी मलहरा थाना प्रभारी टीकाराम कुर्मी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे एवं मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी। प्रारंभिक जांच के मुताबिक अज्ञात बदमाशों द्वारा युवक की गोली मारकर हत्या की गई है, ऐसा प्रतीत होता है। सर, एक कल रात्र में गढ़ीमलहरा थाना अंतर्गत पिपा गांव में एक हत्या का मामला सामने आया है। सर, क्या मामला है सर? कल ये गढ़ीमलहरा अंतर्गत ग्राम पिपा है, जहां पे लगभग 6 बजे के आसपास पुलिस की इन्फॉर्मेशन मिली कि गांव में गोली चली है। और चूंकि गंभीर मैटर था, इमीडिएट थाना प्रभारी और समस्त बल वहाँ पे पहुँचा तो संज्ञान में आया कि वहाँ के रहने वाले जो नरेंद्र परमार हैं उनके सिर में गोली लगी थी, जिनकी संभवतः स्पॉट में डेथ हो गई। लेटर ऑन उनको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर के आए थे, जहाँ पे उनको डेड डिक्लेयर किया गया। अभी उनका हमने PM कराया, अभी PM चल रहा है। और उनके पिता के बताए अनुसार इसमें 6 नामजद आरोपी बनाए गए हैं और इसके लिए टीम बना दी गई है। बहुत जल्दी हम सभी को राउंड अप करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? आवलो सुमन सिंह। नाव सर, बेटे का नाम क्या है आपसे? नरेंद्र सिंह हल्के राजा। क्या घटना हुई इनके साथ में, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, पिड़पा। क्या घटना हुई है? अब घटना साहब, जब भाई का मान लो हमारे बच्चा गोली मार दे। क्या हुआ है, क्या वजह थी, क्या हुआ? अब पुरानी रंजस मान लो, अब उनको पहले मरो तो सुनने बल दो, क्या जैसा भी समझो मान लो। हम बताइए क्या लग रहा है? अभी कह रहे थे कि हमें आपको मानने। कहाँ थे? अरे सर, अपने खेत पे रहते। हम बताइए, जा रहे थे मान लो वही 4-4.5 पे, हम बताइए खेत पे जा रहे थे और बेचा लेगा। फिर आध घंटा बाद हम पहुँचे वहीं पे, सुझे 4-5 लोग मान लो उन्हें पकड़े थे और पकड़े थे मान लो बस उन्होंने जैसे हमें देखो सो उन्होंने दंड दंड फेर दाए और बस वहाँ से चले गए। बड़वा को हम भगे हैं मान लो। हम बताइए कैसे आए थे वो भैया? कहाँ? अब जो नहीं हम तो भगत देखो ने 5-6 लोग। ना नाम है कुछ आप लोगों को पता है इसकी? कौन? हाँ, नाम है ना, हमें पता। क्या कौन कौन थे? ब्रजमोहन पटेल और राम सिंह यादव, अरविंद यादव, गोपाल यादव और उमेश रजक और अर्जुन घोष। इतने जने हमने देखो मान लो भगत बरद्वार साइड भागे मान लो। हम बताइए तो कारण क्या मानते हैं, मतलब कि हुई है घटना? तो अब घटना है तो सर हम आपका ये बात बता दें ये कि जब मान लो उनको मान लो उन्हें जय रन जस्तेगा वो भी काते काते हमारे मान लो आपने एक मारो हम आपके 2 मार भी। हाँ, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई वही में तो सब पुलिस की लापरवाही करी है। बताइए भाई, उन लोगों की सुना था, हमारी उनकी सुनी नहीं है। अब झूठे केस लगाए थे हमारे नहीं बच्चा। हाँ, दोनों झूठे पुलिस ने केस लगाए थे। हम बताइए, और आपके बेटे को जान का खतरा था, इसके लिए पहले पुलिस में आपने कोई जानकारी या रिपोर्ट दर्ज कराई थी? अब बहुत सर नहीं कराई हमने, लेकिन अभी हमें साहब झूठों जैसे हम रिपोर्ट हाँ जाइए सर से भगा देते हैं। बताइए, और हमारे बच्चा है नहीं, 2 केस अब झूठे लगवाए उन्होंने। बताइए क्या लग रहा है तो आपको? हमें तो पुलिस की लापरवाही पूरी जान पर रही, घटना नहीं होती। पुलिस अगर हमारी सुना आती तो इतनी मान लो पोजिशन ना बनती जा, जो बन गई उन्हें बढ़ावा दे रही बस। किस प्रकार का बढ़ावा दिया आपने? क्या बढ़ावा दिया? अब श्रीमान जी सुना बढ़ावा दे रही का मान लो हमारी सुनी नहीं आऊ पार्टी की सुनत रहे तो बढ़ गए। फिर क्या चाहते हैं आप, कार्रवाई चाहते हैं? हम तो कार्रवाई चाहते हैं सर। हम हमारा बच्चा खत्म होगा हम छोड़ देंगे का मान लो। कितने जो हमने देखा है स्वयं आंख से। इनके बच्चे कितने हैं? बच्चे के आपके हैं? लड़की के बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे नाती हमारे। 2 नाती हैं? हाँ, 2 नाती बहू। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।